नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया है। भागलपुर में स्वास्थ्य संबंधी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 1260 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले एम्स की आधारशिला रखी। यह बिहार और आसपास के लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में लगभग 5070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की दिशा में हमारा छोटा कदम है और ये चौथा कदम है। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं लाना और डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आजादी के बाद 60 वर्षों तक केवल एक एम्स था और गंभीर बीमारियों वाले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था या फिर कहीं और। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के दौरान 4 या फिर 5 और एम्स बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इन मुद्दों को हल नहीं किया और देश के विभिन्न कोनों में नए एम्स स्थापित किए गए हैं। तो दरभंगा में एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, बिहार वासियों को सौगात देते हुए नजर आए। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 43 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 29% मतदान किया जा चुका है। सिमडेगा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आदिवासी रिजर्व सीटों पर वोटिंग ज्यादा है। कामर में 22% हुआ है मतदान। रांची में 17% से ज्यादा मतदान किया गया है। हटिया में 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। कांके में 25% मतदान किया गया है। वहीं मांडर में 30% से ज्यादा मतदान किया गया है। तो रांची जमशेदपुर में 30% से ज्यादा मतदान किया गया है। रांची जमशेदपुर में रफ्तार धीमी नजर आ रही है। तो 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, मतदान किया जा रहा है। लंबी लाइनों में लगकर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिमडेगा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। रांची और जमशेदपुर में रफ्तार धीमी नजर आ रही है। हालांकि अभी सुबह की काउंटडाउन है, वोटिंग किया जा रहा है, प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद लगातार बढ़ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? देखिए, दिन के कुछ बचे हैं और अभी तक जो सामने जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगभग जो है वो लगभग 38% से अधिक है अभी चुके। हालांकि इसी चुनाव आयोग द्वारा ये काउंटिंग चल रही है, लेकिन असल ये बात यानी 38% की वोटिंग पूरे राज्य में हो चुकी है कंप्लीशन के लिए। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वो जगह वोटिंग हो रही है आज यानी आरक्षित सीटें हैं। उन आरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा मतदाता उत्साहित हैं और वोटिंग घरों से निकल करके मतदान केंद्र पहुंच करके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित बंपर वोटिंग अपने अंगूठे का यानी अंगूठे का निशान दे करके वो एक नई सरकार को चुनने के लिए वो काफी उत्साहित है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ सामान्य सीटों की बात जो कह सकते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सामान्य सीटों में जिस प्रकार से वोटिंग है उनकी रफ्तार निश्चित रूप से कम है। और वैसे मुझे लगता है कि ये रफ्तार मुझे लगता है कि 2 बजे के बाद पूरी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि देखिए, मतदाता अभी घर से निकले, लंबी कतारें हैं, दोपहर का समय है, निश्चित रूप से थोड़ी सी रफ्तार हमेशा ये देखा गया है कि दोपहर की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती है। तो वैसे मुझे लगता है कि शाम 4 बजे तक जो भी सामने चीजें आएंगी राज्य में जो भी होगा वो 65% से अधिक वोटदान की अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अजय, आदिवासियों को आदिवासी वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश दोनों ही पार्टियों के द्वारा की गई और देखा यह भी जा रहा है कि आदिवासी रिजर्व सीटों पर वोटिंग ज्यादा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, आदिवासी सीटों की बात तो ये बिल्कुल जो सबसे बड़ी कहिया कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो हेमंत सोरेन हालचाल में उन्होंने मैया योजना को जो धरातल देने की जो कोशिश की है। और सबसे ज्यादा अगर बात कर ले तो इस योजना की
सबसे ज्यादा लाभार्थी होने वाली योजना टाइगर सरकार की साबित हुई। अब हालांकि सरकार ने 150 से अधिक योजनाओं को घोषणाएं की और योजनाओं को उतारने की कोशिश की है, लेकिन इन सभी योजनाओं में से सबसे अगर लोकप्रिय की बात कर ले तो नई योजना सबसे ज्यादा रहा। और देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो आज मतदान है और कल जो है राज्य के करीबन 38 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में चौथी किस्त नई योजना की गई है। तो निश्चित रूप से इसके लिए उत्साह है और ये उत्साह मुझे लगता है कि लोगों को काफी भाया है कि चुनाव को लेकर के महिला योजना यानी महिला सम्मान को लेकर के इसकी कार्ड में एनडीए ने हालांकि निकाला है और एनडीए की तमाम फोल्डरों में भी इस बात की मजबूत वकालत की है। बीजेपी ने जिस प्रकार से कहा है कि हम ओबीसी योजना ला करके हम 21 करोड़ के देने की बात करेंगे वाला किया है, तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि लोजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में भी 2500 रुपये देने की उन्होंने ऐलान किया है। आप आजसू जिस प्रकार से उन्होंने भी मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें जो आदिवासी महिलाएं हैं जो गरीब तबके के महिलाओं को 2500 रुपये भी उन्होंने देने की बात की। तो निश्चित रूप से महिलाओं का इस जो 43 सीटों का जो आज मतदान है और वैसे में आज जो मतदान होना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 29% मतदाता महिलाएं हैं और महिलाएं अपनी वो आज वो तस्वीर झारखंड की तय करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये ख्याल है कि मतदाता उन आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं जो सबसे ज्यादा बाहर घर से बाहर होकर के मतदान का बिल्कुल महिला सम्मान योजना हो या फिर गोगो दीदी योजना दोनों ही तरफ से पार्टियों ने आदिवासी महिलाओं को साधने की कोशिश की है। देखना बेहद दिलचस्प होगा जय की महिलाओं को किस पर भरोसा होता है। 43 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए ये सबसे बड़ी बात खास यह रहे कि देखिए विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं प्रथम चरण के और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जिसमें लातेहार कह सकते हैं पलामू के कुछ क्षेत्र हैं कोहरान के कुछ क्षेत्र चाईबासा जिस क्षेत्र है लातेहार है लोहरगढ़ है इन तमाम जगहों के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वैसे ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव आयोग द्वारा चाक चौबंद जिस सुरक्षा जो की गई है और पूरी साल के कोई मतदान हो रहा है यह सबसे बड़ी बात झारखंड के लिए है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अभी तक ऐसी छोटी घटनाएं छोड़ करके कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई तो राज्य में निश्चित रूप से यह शांतिपूर्वक यह संदेश दिया जा सकता है कि बिल्कुल नक्सली क्षेत्रों में मतदान किया जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार चुनाव आयोग ने 225 ऐसे बूथ है जो हेली डंपिंग के द्वारा हेलीकॉप्टर के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया मतदान कर्मियों को भेजा गया और वहाँ भी मतदान तेजी से चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज सकते हैं कि झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मतदाता जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है तो निश्चित रूप से झारखंड में परिवर्तन की राह देखने को मिल रही है। बिल्कुल मतदाताओं में उत्साह है, लंबी कतारों में लगकर मतदान यानी कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जनता का फैसला क्या कुछ होता है पर इस नवंबर को साफ तस्वीरें सभी के सामने होगी। बहुत शुक्रिया जय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान किए जा रहे हैं। टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा ने परिवार सहित ग्रामीणों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के भागीदार बनने की बात भी कही। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार तीसरी दीपावली लोकतंत्र के पर्व पर मनाई जा रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता कजौर गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा से बात की है। देवली उनियारा उपचुनाव शुरू हो गए हैं, सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूरचंद मीणा केसी मीणा यहां पर पहुंचे हैं, गांव रोहित में पहुंचे हैं, मतदान किया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए सर, आपने मतदान किया है, क्या कहेंगे? आज जो है 13 नवंबर है और हमने आज विधानसभा क्षेत्र का जो देवली उनियारा का है यहाँ पे मैं लोकल होने के नाते यहाँ का लोकल प्रत्याशी होने के नाते 28 साल में मेरे ख्याल से पहली बार लोकल प्रत्याशी ने एक मतदान किया है और मैंने मतदान मेरी फैमिली के साथ मेरे गांव वालों के साथ सबके साथ मिलकर के किया है। किन मुद्दों को लेकर आप मौका मिला था, किन मुद्दों को आप प्रायोरिटी देंगे? इसमें मुद्दे देखो ऐसा है, मुद्दे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं पिछले 15 दिनों से सारी विधानसभा के अंदर सारे गांव गांव ढाणी ढाणी शहर में सब जगह गया हूँ। मुद्दे
छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिनको कि हम लोग बैठ के और छोटे छोटे फंड के अंदर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सिक्योरिटी है। क्योंकि आज व्यापारी वर्ग को सिक्योरिटी चाहिए, आज जो ग्रामीण आदमी को उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और जो दूसरे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम करें तो उनको एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने सोचा है, इसके लिए हमने लिस्ट डाउन किया है और हम चाहते हैं कि इन पे काम करें। बात करें सर, स्थानीय उम्मीदवार बनाया गया है, गांव में एक लोगों में काफी उत्साह है, वहीं मतदान को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहिए? बिल्कुल सही बात है ना, जो आप स्थानीय उम्मीदवार की जो है एक बार 28 साल के बाद में बहुत बड़ी भूमिका है, और उस भूमिका में लोगों के अंदर, यही नहीं गांव के अंदर, बहुत सारी जगह पे पूरे जिले के अंदर उत्साह ये है कि लोकल उम्मीदवार को बहुत दिनों बाद टिकट दिया है। तो सारे लोग, इवन कुछ लोग जो दूसरी पार्टी के भी हैं, उन लोगों ने भी कास्ट किया है कि भाई हम लोग स्थानीय उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। बात करें सर, जो चुनाव प्रचार प्रसार रहा है, यहाँ पर आपने हर जगह रोजगार को लेकर विशेष बात की है, रोजगार पे विशेष फोकस किया है। नहीं, रोजगार पे किया है क्योंकि आज हम जानते हैं हमारे एरिया के अंदर, हमारे जो सवाई माधोपुर ले लो, हमारे टोंक ले लो, हमारे कोटा ले लो, उनके बीच में आसपास कोई एक बड़ा उद्योग नहीं है, और हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे लोग बाहर जाते हैं, जैसे आज जयपुर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, हम लोग इस तरह के बड़े जो इंडस्ट्री के लिए बात करें, तो उस वजह से हमारे लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ रहेंगे और उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। युवा है, आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? सबसे बड़ी खुशी है कि पहली बार स्थानीय नहीं, हमने लोकल स्थानीय उम्मीदवार की मांग की थी, तो पहली बार हमारे पूरे देवली विधानसभा, उनियारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकल उम्मीदवार, मतलब लोकल उम्मीदवार आए हैं, तो हमको अच्छा ही, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बनाने के लिए अच्छा ही काम करेंगे। काफी उम्मीदें लोगों को है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, और बात करते हैं सर, काफी दिनों, कई चुनाव के बाद इस बार स्थानीय प्रत्याशी बनाया गया, गांव का प्रत्याशी बनाया, माँ की, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारे गांव में जो दीपावली है, दीपावली जैसा हर्ष और उल्लास है, हमारे गांव में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हमारे गांव का प्रत्याशी है, हम किसी पार्टी वार्टी किसी को नहीं, हमारे तो प्रत्याशी, मतलब दीपावली आ रही गांव में, बड़ा हर्ष और उल्लास है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे भी अच्छा शिक्षा शिक्षा प्रद उम्मीदवार है, बिल्कुल शांत वातावरण, शांत स्वभाव का। गांव रोहित में तीन दीपावली, पहली बार साहब तीन दीपावली आ गई, तीन दीपावली आ गई साहब गांव में, और गांव भी हमारे गांव को कौन जानता था, एक बूंदी जिले के बॉर्डर पे टोंक जिले के लास्ट गांव है, और यहां से एक कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बनाए गए, तो हमें बहुत ही गर्व की बात है, मतलब गांव वासियों में काफी गर्व है, युवा है, गांव का प्रत्याशी बनाया, किस तरीके से देखते हैं सर? एक ही माहौल बने इसमें यहाँ पे कि हमें बहुत दिनों के बाद में ऐसा कैंडिडेट मिला जो हमारे को साथ लेकर चले, हमारी भावनाओं को साथ लेकर चले, हमारी शिक्षा चिकित्सा जैसे रोड से संबंधित बातें और स्वास्थ्य से लेकर बातें उन पर काम करे, और ये काफी दिनों से एक ही डिमांड थी हमारी विधानसभा में कि मैं एक स्थानीय और शिक्षित उम्मीदवार मिले। स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, इसको लेकर काफी खुशी का माहौल है। कजोड़ गुजर, इंडिया वाइज स्टॉक। वही राजस्थान के आईपीएस अधिकारी को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है, और बताया जा रहा है कि उनको चार्जशीट भी दी गई है। आईपीएस अधिकारी का नाम किशन सहाय मीणा है, और वे 2004 बैच के अधिकारी हैं। उनकी ड्यूटी झारखंड चुनाव में लगाई गई थी और उनके पास चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण काम था, लेकिन वे अपने किसी सहायकों को बिना सूचना दिए, बिना नियम फॉलो किए जयपुर लौट आए थे। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी, ये सूचना चुनाव आयोग तक पहुंची, तो आज उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आईपीएस अधिकारी को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है, बिना सूचना दिए ही वो जयपुर चले आए थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया है। 2004 बैच के ये कैडर माने जाते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, राजस्थान की आईपीएस अधिकारी को चुनाव के दौरान ही निलंबित कर दिया गया, आखिर क्या वजह है? देखिए, राजस्थान कैडर के आईपीएस है, और लगातार इनकी जो ड्यूटी थी चुनाव में ये लगे हुए थे झारखंड में, और अभी जिस तरीके से हमने देखा कि जयपुर ये बिना सूचना के अधिकारियों को लौटाए, उसके
पहले भी जब उन्होंने देखा कि एक फेसबुक पोस्ट इन्होंने किया था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जो जाति और वर्ण है उन मुद्दों को बताते हुए तकनीकी विज्ञान को बढ़ावा देने की बात उन्होंने अपने पोस्ट में कही थी। और जिस तरीके से उनका जो करियर रहा है क्योंकि उपचुनाव जहाँ चुनाव थे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके हाथ में थी और इस बीच उनका जयपुर आना कहीं ना कहीं कई जो चर्चाओं का विषय बन चुका है क्योंकि जहां हम देखते हैं कि राजस्थान में एक और उपचुनाव आज चल रहे हैं और उपचुनाव के बीच में जो कुछ सीटें हैं चार सीटें ऐसी है जहाँ पर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और ये उसी समुदाय से आते हैं। क्या आखिर क्या कुछ वजह जो उनकी रही है यहाँ पे आने की उपचुनाव से जोड़कर अभी देखा जा रहा है लेकिन फिलहाल उनकी इस गतिविधि को देखते हुए अधिकारियों ने उनको सस्पेंड कर दिया है और जो उनकी पोस्ट थे फेसबुक पोस्ट थे उसे लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है कि आखिरकार बिल्कुल कुलदीप ऐसे में राजस्थान में चार सीटों पर उपचुनाव भी जारी है कितना प्रतिशत अभी मतदान किया गया है क्या कुछ माहौल? देखिए अभी अगर हम बात करें 12 बजे तक की तो पूरे राजस्थान में कुल मिलाकर 27% तक मतदान हो चुका है लेकिन सबसे ज्यादा जो वोटिंग अभी जो रहा है वो वोटिंग परसेंटेज अलवर के रामगढ़ सीट की है जहां पर जो अभी परसेंटेज है वो तकरीबन 36 के पार पहुंच चुकी है और लगातार वहां पर जो सुबह से रुझान था वो कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो काफी उत्साहित नजर आए और सड़कों पर जो भीड़ वहां की तस्वीर देखने को मिलती है वो काफी जो है क्योंकि लगातार उपचुनाव थे और निर्वाचन आयोग को इतना वक्त नहीं मिला कि लोगों को इस उपचुनाव के लिए जागरूक करे लेकिन फिर भी उस सीट पर ज्यादा से ज्यादा मतदाता को वोट देने की अपील की गई थी। अब जब हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज वहां पर लगातार बढ़ा है सबसे कम जो वोट परसेंटेज है वो सलमपुर में रहा है जहां पर अभी तकरीबन 20% के आसपास मतदान डाला गया है लेकिन जहां राजस्थान के साथ सीटें हैं और क्योंकि राजस्थान में ये उपचुनाव अब वोट परसेंटेज पर ही निर्भर करेगा क्योंकि जातीय समीकरण है और सबसे ज्यादा जिस सीट पर वोट परसेंटेज ज्यादा रहेगा भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा अमूमन हो सकता है लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में एक और मतदाताओं की लगातार कतारें लगी है तो दूसरी और टॉस की बिल्कुल कुलदीप ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही बुलडोजर एक्शन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जारी किए हैं निर्देश। बुलडोजर एक्शन पर जारी किए गए हैं 15 निर्देश। 5 निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सरकार को कहा गया है, ये निर्देश जारी किए गए हैं। 5 निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। बुलडोजर एक्शन की जानकारी जिला अधिकारी को जरूर देनी होगी। तोड़फोड़ की कार्रवाई का पूरा वीडियो बनाया जाएगा यानी कि वीडियोग्राफी की जाएगी जो कि बेहद जरूरी है। अगर कोई दोषी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर एक्शन करना बिल्कुल भी उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई दोषी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की कोई जरूरत नहीं है और ये करना भी बेहद खराब है, उचित नहीं है। सभी राज्यों के सचिवों को कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। नोटिस में बताना होगा कि घर किस वजह से अवैध है। तो अब बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 निर्देश दिए गए हैं। 5 निर्देशों को सख्ती से पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई दोषी है तो उसके घर पर बुलडोजर का एक्शन बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर बुलडोजर का एक्शन किया जाता है तो ये जरूर बताना होगा कि आखिर किस वजह से ये एक्शन किया गया है। उचित जवाब देने होंगे। नोटिस में बताना होगा कि घर किस वजह से अवैध था जिसके बाद बुलडोजर का ये एक्शन किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 निर्देश दिए गए हैं। 5 निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और कोर्ट ने सबसे पहले यह भी कहा है कि बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब नोटिस दिया जाएगा यानी कि 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, 15 निर्देश बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, क्या कुछ है वो निर्देश? देखिए सुप्रीम जस्टिस संजीव खन्ना ने एक अहम निर्देश दिया है और बुलडोजर बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगाने की कोशिश की है
15 निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 5 निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का जस्टिस संजीव खन्ना ने निर्देश दिया है। और उस निर्देशों की बात करें तो साफ तौर पर जस्टिस खन्ना ने कहा है, जो निर्देश जारी हुआ है, कि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं, और कोई अपराधी हो या दोषी हो तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि घर जो है किसी का सपना होता है, जिंदगी भर की कमाई लोग घर बनाने में लगा देते हैं। और जिस तरह से अगर पिछले दिनों की बात करें तो बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहा, लोगों के घर ध्वस्त किए गए, धराशायी किए गए, इस पर कहीं ना कहीं खूब सियासत भी हुई, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध भी किया था। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर मामले की सुनवाई हुई और आम निर्देश दिया है। और निर्देशों की अगर खास निर्देश की बात करें तो एससी ने यह भी कहा है कि अगर किसी का घर अवैध है, अवैध जगह पर बना हुआ है, तो उस पर आप जुर्माना लगाकर नियमित किए जाए। यह भी कह दिया है कि आप जो है किसी का घर बुलडोजर से नहीं गिरा सकते हैं, अवैध है तो उसको उसकी नोटिस तामील कराई जाए, तब एक्शन लिया जाए। और यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उसकी सूचना जिले के जिला अधिकारी को दी जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से तल्ख टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर, क्या इससे पहले जब भी बुलडोजर एक्शन होता था तो राज्य के सचिवों को इसकी सूचना नहीं दी जाती थी? क्या 15 दिन पहले घर के मालिक को नोटिस जारी नहीं किया जाता था? क्या इस पूरे प्रकरण का वीडियोग्राफी नहीं की जाती थी? सूची अगर बात करें तो कई ऐसे बुलडोजर एक्शन हुए जिसमें तुरंत जो है खाना पूर्ति करके पीडब्ल्यूडी के अफसर, नगर पालिका के अफसर, विनमित क्षेत्र के अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते थे और मकानों को धराशायी कर दिया जाता था। हालांकि अब जो यह व्यवस्था है पूरी तरह से बदल दी गई है, मनमानी अधिकारियों की नहीं चलेगी अगर कोई बुलडोजर एक्शन। बिल्कुल आसिफ, साफ शब्दों में कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अब मनमानी अधिकारियों की नहीं चलेगी और 15 निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसे पालन करना ही होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं सपा के पोस्टर वॉर पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी ने कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, सपा का एकमात्र एजेंडा जीतेंगे तो लूटेंगे। पोस्टर को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शमसी आजाद ने प्रदर्शित किया है। तो पोस्टर वॉर अब एक बार फिर से नए अंदाज में बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर की सियासत की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं और अब बीजेपी ने उन तमाम पोस्टरों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया है, जीतेंगे तो लूटेंगे। इस तरीके के पोस्टर बीजेपी के कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। वही खबर अयोध्या के मिल्कीपुर से है, जहां एक हफ्ते में ही सड़क बनते ही उखड़ना शुरू हो गया है। बता दें कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभातपुर गांव के पास मधा पुल से चौराहे तक, आइए एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 300 मीटर की सड़क एक हफ्ते पूर्व बनाई गई थी, जिन पर घासें उगाई है और वहीं इन सड़कों पर मानकों की धज्जियां उड़ाई गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुछ ही दिन पहले सड़क का निर्माण कराया गया था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत भी की है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। विधानसभा क्षेत्र में ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा जो है ये सड़क बनाई गई, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं ये सड़क बने हुए अभी एक हफ्ते के करीब हो रही है और ये सड़क बनते ही देर नहीं कि आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये जगह जगह से ये उखड़ना शुरू हो गई है। तो इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार काफी उजागर हो रहा है। मैं आगे भी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए
कि आप देख सकते हैं कि इन सड़क पे जो घासें उगाई हैं और इस तरीके से माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि वजह यह है कि एक हफ्ते पहले अभी सड़क बनी हुई है और ये जगह जगह उखड़ भी जा रही है। यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन को करके दिखाया कि आप देख सकते हैं ये सड़क देख के उखड़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। अरे सड़क सही से बनाई नहीं गई है, यहाँ पर अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, सड़क देख रहे हैं आप किसी तरह से उछाल भी नहीं सही से भी बना चुके हैं, बराबर नहीं हुआ है, घास फूस सब जम गया। देखो इसको साफ सफाई करने में टेंट पे मुड़ाने पर गाड़ी से डेंट भी हो सकता है, ये भी घास नहीं साफ हुई है, यही हुआ जी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बहुत है इस लोग में, क्या करें, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, देख लीजिए आप ही देख लीजिए, घुमा दीजिए उधर, ये सब अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, एक हफ्ते में भी इसमें कुछ है ही नहीं, ये प्रभात की पुरा चौराहा है, हाँ ये भवानियापुर को जाती है रोड, आधा बनी है आधा उस पार बनी भी नहीं है, जो अपना होगा वही बनाएंगे। क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम मनोज कुमार यादव। तो यहाँ पे जो मनोज कुमार यादव है रिक्शा चालक, उनका यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे एक हफ्ते पूर्व जो है सड़क बनाई गई है प्रभातपुर चौराहा है और इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, लगभग 200 मीटर के करीब ये सड़क का निर्माण कार्य हुआ है और लाखों रुपए की लागत से निर्माण कार्य कराया गया है, तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो सड़क बनी हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अरे भैया सब ऐसे बेकार के रोड बना चला गया, खाली काम बताए दिन के हो गया बस, बाकी सब उखड़ गई है, पूरी घास जम गई, ना गड्ढा बगल गड्ढा वो भी नहीं बराबर की, ना रोड बराबर बनाए, ना रोलर चलाए, सब उखड़ गई है। तो अरे अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, 5 दिन हुआ, 5 या 6 दिन बस, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अरे सब लेके चले गए, तार कोल और कोल सब बचा कर ले गए, यही गाड़ी खड़ी गई, वहाँ लोग पूछेगा अभी सब लोग बताएंगे, सब माल पूरा डाले नहीं तो रोड उखड़ेगी ही, ना तो पूरा खोद के बनाए, सब घास जो नीचे थे वो ऊपर दिख रही है, खाली लिपा पोती करके चलेंगे। क्या नाम है? मोनू यादव। यहाँ पे जो मोनू यादव है उनका भी यहाँ पे साफ तौर पर कहना, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार द्वारा जो है लापरवाही की गई है कि एक हफ्ते में ही सड़क उखड़ना शुरू हो गई, अब देखने वाला होगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।